ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आप बहु शीतल होए। तो गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स के अंदर। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और चलते हैं आज भी हम भी करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस हम लोग आज आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस, जो जयपुर का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। आई डोंट नो अभी हमें वहाँ पे भीड़ मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बग्घी खाना, चंद्र महल, चांदी का जो कलश है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ की शॉप्स वगैरह। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही आपको दिखाते हैं जयपुर की एक और नई सौगात जिसका नाम है सिटी पैलेस। चलिए चलते हैं। अगली मंजिल का नाम है मुकुट महल, और सबसे ऊपर वाली मंजिल का नाम है चाबी निवास। प्रीतम निवास चौक
को रिद्धि सिद्धि पोल भी कहा जाता है। इसमें जो दीवाने खास है उसी जगह चांदी के दो बड़े बड़े कलश रखे हुए हैं। इसी में गंगा जल भरकर महाराजा माधो सिंह उसे इंग्लैंड ले गए थे। सिटी पैलेस के अंदर की जो नक्काशी है वो काफ़ी सराहनीय है। अभी जो आप देख रहे हैं ये चंद्र महल है, बड़ी ही खूबसूरत कारीगरी और चांदी से निर्मित गेट जिस पे शीशों का बहुत ही अच्छा काम किया गया है। कुछ राज परिवार की फोटोग्राफ यहाँ पे रखे हैं। ये देखिए चांदी का जो गेट है वो बहुत ही प्यारा लगता है। आज भी काफ़ी वर्षों पुराना होने के बाद भी आज भी इसकी खूबसूरती जो है वो कायम है। अंदर जो आलीशान फर्नीचर, ये देखिए महल, ये अपने आप में खूबसूरत। ये प्राचीन पंखा भी यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है जो चालू कंडीशन में है। ये शाही परिवार की फोटोग्राफ आपने अभी देखी होगी। ये पिलर्स जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, ये फाउंटेन, चारों तरफ हरियाली। और सामने आप जो देख पा रहे होंगे ये है गढ़ गणेश, और अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसी पे नाहरगढ़ का जो किला है वो आपको दिख रहा होगा। ये शाही परिवार का जो झंडा है यही झंडा आपको जयगढ़ के किले के ऊपर दिखाई देगा। इसे कहते हैं रंग महल। ये रंग महल जो है वो कम्प्लीटली शीशों से बना हुआ है, और ये शीशे बाहर से मंगवाए हुए शीशे हैं जिसे इटालियन मिरर्स भी कहा जाता है। तो इस भवन को अंदर घुसने के बाद में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप किसी महल के अंदर आप आ चुके हैं। चारों तरफ रोशनी जो है वो जब मिरर पे पड़ती है तो उसकी सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, इस तरह की सुंदरता है। इसमें मीनागिरी और कुंदन का काम जो है वो किया गया है। देखिए आप कितना प्यारा अद्भुत नज़ारा है इसका। और ये प्राचीन काल के जो लैंप हुआ करते थे वो लैंप जो है आज भी इसको इस तरह से मेंटेन किया गया है मानो जैसे कल का ही बना हुआ हो। इसका अधिकांश पार्ट जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे शाही तलवार, शाही कपड़े और शाही जो आभूषण वगैरह है वो रखे हैं, पालकी वगैरह जो है वो रखी हुई है।
ये हम लोग आ चुके हैं प्रीतम निवास चौक, जिसे रिद्धि सिद्धि पुल भी कहा जाता है। ये दरवाजे ये चंद्र महल यही इसी चंद्र महल में 7 मंजिलें बनी हुई है। आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज के अंदर, काफी सारे एड्स के अंदर जो है वो सिटी पैलेस की शूटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और सिटी पैलेस के अंदर होली का जो उत्सव होता है वो बड़ा ही धूमधाम से शाही तरीके से मनाया जाता है। आज भी यहाँ पे तोपें जो है वो सुरक्षित रखी हुई है। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, दीवाने खास का। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।